स्वागत है आपका एक और नए और शानदार वीडियोस में। मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं हरिओम के वीडियोस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि तैरते कैसे हैं और हमने आपको स्टेप भी बताई थी कि आपको डब्बी से तैरना है। पर अब तो आप तैरना तो आप सभी सीख ही चुके हैं, बट अब कुछ इनोवेशन होना चाहिए ज़िंदगी में। तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि गोचा कैसे लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि गोचा कैसे लगाते हैं, क्योंकि तैर तो सभी लेते हैं लगभग, पर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और हमारे मित्र की भी बहुत सारों की ये राय थी कि आप गोचा लगाना सिखाओ हमें। तो आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं गोचा लगाना। तो सबसे पहली बार तो गोचा लगाना सिखा देते हैं, इससे थोड़ा सा माहौल बन जाएगा वीडियो में भी। तो निकाल दिए बुसेट, करते हैं शुरुआत। तो अभी एक हमने गोचा सिर्फ इसलिए लगाया है कि थोड़ा सा माहौल बन जाए, थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी फील आ जाए, बस इसीलिए एक गोचा लगाया। करते हैं वीडियो की शुरुआत यहीं से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको करना है सिर्फ नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहना है और फिर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको यहाँ से, और ऐसे ऐसे ही जैसे हल्का सा जंप लेके पानी में अंदर, जैसे कि ये। तो देखा आपने, काफ़ी आसान था, ये कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है, बस हल्का सा बॉडी का मूव होना चाहिए। अब काफ़ी तरीके से तैरते हैं गांव के बच्चे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो एरिया है ये सारा गांव का एरिया है। ये दूसरा कुआं है, जैसे हमने कल जिस कुआं में वीडियो बनाया था ये दूसरा कुआं है। ये भी नॉर्मली रिंग का कुआं बना हुआ है। तैरने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे उल्टे तैरते हैं या सीधे तैरते हैं, आज अंड संड तरीके से भी तैरते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा वीडियोज़ में। तो बस इस वीडियो में हमारे भी एक हमारे जो मित्र हैं वो आ रहे हैं, वो और बताएंगे कि और अच्छे तरीके से कि और कैसे क्या क्या खामियां हैं, और ये भी काफ़ी बड़े तैराक की है। किसान भाइयों, ये है हमारे मित्र, इनका नाम है सचिन। इनको लगभग 6 से लेकर 7 सालों का एक्सपीरियंस है नहाने का। ये बचपन में बहुत छोटे थे, तब से ही इनको इनके मम्मी पापा ने इनको तैरना सिखा दिया है। ये एक किसान के ही पुत्र है, तो आज हम इनसे इनके ही बारे में पूछेंगे कि इनका तैराकी का एक्सपीरियंस इन्होंने कैसे क्या सीखा, सब इनसे पूछने वाले हैं जस्ट इनके सामने। मेरा नाम सचिन है और मैं 7 साल से तैरने का एक्सपीरियंस है उसमें, और आज मैं 15 साल का हो गया और मैं आपको गोचा लगाने सिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब आप इनके अलग ही चाल है इनकी, इनको लगभग 10 से लेकर 20 तरीके से इनको तैरना आता है। ये अंदर जाने का तरीका ये आप देखो, ये मतलब बूंदे में से पत्थर भी उठा के ले आते हैं ये कई बार। हाँ तो तू आ जाए नहीं, हाँ कर कुछ कर। हाँ यूट्यूब, ये सब उसको भाई तीरने का हमें ये इनका लगभग 6 से लेकर 7 सालों का एक्सपीरियंस है, और ये भी एक किसान के ही पुत्र है। सबसे खास बात यहाँ है, मैं 7 साल से तीन सीख गया या 15 साल हो गए मुझे। ये मतलब बहुत ही बेहतरीन है इनकी तैराकी, लगभग पूरे गांव में प्रसिद्ध है हमारे। हेलो, ये हमारे गांव के बुल्लाई, ग्राम बुल्लाई से हरिओम भैया है। ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, कृपया इन्हें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ये आज हमारे यहाँ कुएं पे आए और इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक वीडियो बनाया है मेरे ऊपर। मैं 7 साल से तैरना सीख गया और मुझे 15 साल हो गए और मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया इसका तैरना। ये हरिओम भैया है, इनको लाइक। शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी इतनी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर दी है
मतलब बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों और एवं उनके पुत्रों की शायद हमारे द्वारा दी गई ये कुछ बताई गई वीडियो और कुछ बेसिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत में आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देवे, जिससे आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए और बेल आइकन को भी दबा देवे। सचिन जी का कहना है ये।